सिनेमा एक मैजिक है जिसे देखते बाद वो हमारे दिलो दिमाग को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने साथ इस तरह कनेक्ट कर देती है कि कोई पत्थर दिल भी देखे तो उसका दिल भी पिघल जाएगा। आज थिएटर्स में एक ऐसी ही फिल्म आई है जिसे देखते बाद आपकी आंखों से बहते आंसू को आप रोक नहीं पाओगे। राघव एंड एस एस सूर्या की मोस्ट एडेड मूवी जिगर थंडा डबल एस आ चुका है दोस्तों, जो कि स्पिरिचुअल सिक्वल है पहले पार्ट जिगर थंडा का, यानी जो प्लॉट लाइन रहेगा वो पार्ट वन जैसे सिमिलर रहेगा। अगर आपने पार्ट वन नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, फिर भी ये फिल्म देख सकते हो। इसके डायरेक्टर है कार्तिक सुब्राज। बात करें फिल्म की तो कहानी है मथुरा में रहने वाले खतरनाक गैंगस्टर की, जिसे सिनेमा में हीरो बनना है। इसकी वजह से उसे एक प्रोड्यूसर चाहिए और तभी प्रोड्यूसर बन के आते हैं एस एस सूर्या और गैंगस्टर सीजर को लेके फिल्म बनाते हैं। पर उनका मकसद फिल्म बनाना नहीं है, सीजर को मारना है। पर वो क्यों मारना चाहते हैं और क्या वो मार पाएंगे, जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म इतनी अच्छी है कि उसे एक लाइन में कहूँ तो इस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक है। सच में मजा आ गया देख के, ये फिल्म इतनी अच्छी निकलेगी सोची नहीं थी। उस समय यार डायरेक्टर साहब इस फिल्म के जरिए ये बताने की कोशिश किया है कि सिनेमा का पावर क्या है, सिनेमा क्या क्या कर सकती है, और इस चीज को फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है। फिल्म की फर्स्ट हाफ अच्छी है, एंगेज करके लगती है, पर उससे भी कहीं गुना ज्यादा सेकेंड हाफ देखने में मजा आता है। यह कहो कि सेकेंड हाफ इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट हाफ में राघव के कैरेक्टर को लेके जो खौफ क्रिएट किया जाता है वो इफेक्टिव साबित नहीं होती, ना ऐसे सूर्या के कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं, मगर सेकेंड हाफ में बाजी पलट जाती है। कब आप दोनों कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इमोशनल इतनी स्ट्रांग है इस फिल्म की क्लाइमेक्स कि आप रो पड़ोगे। इतना ही नहीं, विजुअली भी ये फिल्म काफी कमाल की लगती है और बेहतरीन कैमरा वर्क देखने को मिलती है। फिल्म के अंदर हाथियों को जिस तरह से दिखाया है ना, सच में काबिलियत तारीफ है। फिल्म में राघव के कैरेक्टर को देख के खौफ क्रिएट हो या ना हो, मगर फिल्म के अंदर जो पुलिस वाला देखने को मिलता है वो काफी खतरनाक नजर आता है। फिल्म में जो गाने सुनने को मिलते हैं वो सच में बेकार लगे, पर लास्ट का एक ही गाना मुझे पसंद आई। फिल्म के अंदर राघव ने क्या परफॉर्मेंस दी है यार, माइंड ब्लोइंग, कमाल कर दी राघव ने। और ऐसे सूर्या ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बाकी एक्ट्रेस ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। ओवरऑल अगर आप सिनेमा से प्यार करते हो तो ये फिल्म जरूर देखने जाना। इस फिल्म में सिनेमा की असली पावर देखने को मिलती है, उससे मैं तो भूल ही गई थी। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।